13 दिन पहले मध्य प्रदेश के चित्रकूट के तेल व्यवसायी के दो जुड़वा बच्चों को अगवा कर लिया गया था। उनके शव रविवार सुबह बांदा जिले से बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो गई है, अब माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आज बांदा में दो मासूम बच्चों की लाश पाए जाने को लेकर एक शोक और आक्रोश वाला ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये कैसी कानून और व्यवस्था है जिसमें लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए हिचकेंगे, और अब ये इस मामले में दोनों सरकारों का दायित्व है कि वो पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।